को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, जहां गांव गिंजरी में विस्फोटक पदार्थ खाने से गाय का जबड़ा फट गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। उमरिया जिले के बिरसियपुर पाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गिंजरी में एक गाय उस वक्त गंभीर रूप से घायल हो गई जब वह घर से कुछ दूर चरने के लिए गई थी, जहां पर किसी विस्फोटक पदार्थ से उसका जबड़ा फट गया। जानकारी के मुताबिक गिंजरी निवासी ओम प्रकाश अग्रवाल की पालतू गाय रोज की तरह घर से कुछ दूरी पर चरने के लिए गई थी। जब वह घर लौटी तो उसका जबड़ा क्षतिग्रस्त था, जिसकी जानकारी पाली थाना क्षेत्र में दी गई। तब मौके पर थाना प्रभारी आर के धारिया अपनी टीम व पशु चिकित्सकों के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 429 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। गाय के मालिक ओम प्रकाश ने आशंका व्यक्त की है कि गाय की यह हालत किसी विस्फोटक पदार्थ के कारण हुई है, जिसकी सूक्ष्म जांच अनिवार्य है। आपको बता दें कि गाय का जबड़ा खराब होने के कारण वह न तो कुछ खा पा रही है न ही पानी पी रही है, जिससे उसका बछड़ा भी दूध पीने से वंचित है। अग्रवाल, गिंजरी में रहता हूँ। मेरी गाय प्रतिदिन चरने सुबह जाती थी, शाम को जब आई तो मैंने देखा कि उसका जबड़ा फटा हुआ है और देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे इसको किसी ने विस्फोटक खिला दिया या खा ली है। और जब मैंने देखा तो पूरा ब्लड आ रहा था। मैंने इसकी सूचना जो है थाने में दर्ज करा दी है और पुलिस वाले भी आए हुए थे और बजरंग दल भी वाले आए थे, तो उन्होंने देखा है और इसका जांच का विषय है। अब ये देखना कि यहाँ पर विस्फोटक सामग्री किसके पास है या कहाँ पर पाई जा रही है, इससे जनहानि भी हो सकती है। बच्चे भी यहाँ पर खेलते रहते हैं, अगर गाय के मुँह पे अगर गाय ने खाया तो कहीं ना कहीं यहाँ पर तो है विस्फोटक सामग्री। इसलिए मैं शासन प्रशासन से चाहता हूँ कि इसकी कड़ी जाँच हो और जो भी इसका अपराधी है उसको सजा मिले। आज दिनांक को थाना पाली में ओम प्रकाश अग्रवाल द्वारा थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि उन्होंने अपनी गाय 14 तारीख को सुबह चरने के लिए छोड़ा था, तो 14 तारीख को 15 तारीख को गाय को तलाश करते गाय नहीं मिली थी। कल रात में 8 बजे उनको गाय मिली है, जो गाय का जबड़ा काफ़ी मतलब ऐसा लग रहा था किसी विस्फोटक से मतलब ब्लास्ट होकर फटा हुआ है। इस संबंध में हमने रिपोर्ट दर्ज कराई है थाने में। 3429 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।